जी बेटा, आवाज आ रही है, क्लियर है? हेलो, जी बेटा, आवाज आ रही है? हेलो, ओके, चलो, सबने ज्वाइन कर लिया, ऑलमोस्ट सबने कर लिया। मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोगों की। अटेंडेंस का प्रोसीजर ये होगा कि मैं नेम कॉल करूँगी, जिस स्टूडेंट का मैं नेम कॉल करूँ वो अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ चैट पर सेंड कर दे। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली हुसैन, सैयद मोहम्मद अली हुसैन, दो दफ़ा नेम कॉल करूँगी जस्ट। ओके, ये सेशन वन की अटेंडेंस है। सैयद साद अली काजी, साद अली काजी, उज़ैर अदनान सिद्दीकी, उज़ैर अदनान सिद्दीकी भी ऑप्शन है, ईमान अली अनवर, ओके, वेरिएंट, मोहम्मद हतीमुद्दीन, चैट पे सेंड करनी है बेटा, जिसका नेम मैं कॉल कर रही हूँ वो अपना नेम और स्टूडेंट आईडी चैट पे सेंड कर दे। मैं दोबारा से नेम कॉल कर रही हूँ, सैयद मोहम्मद अली, सैयद साद अली काजी, उज़ैर अदनान सिद्दीकी, मोहम्मद हतीमुद्दीन, जी बेटा, अटेंडेंस चैट पे सेंड करनी है, जिसका नेम कॉल करूँगी वो अपनी अटेंडेंस ऐड करे, जिसका नेम कॉल करूँगी वो अपनी स्टूडेंट आईडी और अपना नेम यहाँ चैट पे सेंड करे। मोहम्मद हतीमुद्दीन भी एब्सेंट है, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद मुनीम कुरैशी भी एब्सेंट है, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद दानियाल, ओके, प्रेजेंट, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद रहीम, ओके, मोहम्मद सुबान अलवी, अब्दुल राफ़े खान, अब्दुल राफ़े खान एब्सेंट, हसन खानानी, हसन खानानी, हसन खानानी, अब्दुल राफ़े खान, दाऊद खान, दाऊद खान, मोहम्मद जहांगीर हुसैन,
मोहम्मद जहांगीर हुसैन, सैयद रबीउल हसन, सैयद रबीउल हसन। क्लास आवाज नहीं आ रही। मानूर फातिमा, महानूर फातिमा, ओके मानूर। असदुल्ला खान, असदुल्ला खान, अजान कुरैशी, ओके प्रेजेंट अजान। सैयद मोहम्मद साइम, हाफिज उमर इकबाल, ओके प्रेजेंट। साइम की स्टूडेंट आईडी है 12658, ओके। मुइज रिजवान, प्रेजेंट। अभी फिलहाल जिसका नेम कॉल करी हूँ वो अपने अटेंडेंस लगवाएं, जिन लोगों की रह गई है वो सब सबकी कंप्लीट हो जाए फिर बताइएगा। सैयद हादी उर रहमान, सैयद हादी उर रहमान, मोहम्मद ऑन अली, मोहम्मद आउन अली, AUN। अच्छा जी, हादी उर रहमान भी प्रेजेंट है। मुनीबुर रहमान, मुनीबुर रहमान का तो नेम मैंने कॉल नहीं किया। बेटा जिसका नेम कॉल करूँ अभी वो अटेंडेंस लगाएं, जिन लोगों की रह गई है वो अभी नहीं सेंड करें। मुइज़ रिजवान प्रेजेंट है, हादी प्रेजेंट है, ऑन प्रेजेंट है, मोहम्मद हमज़ा, प्रेजेंट हैं, ओके। सैयद फैज़ान अली, सैयद फैज़ान अली, हाफिज़ अब्दुल हसीब, हाफिज़ अब्दुल हसीब, ओके प्रेजेंट। उवैस हुसैन, हाँ, हंजला शकील, हंजला शकील प्रेजेंट हैं, ओके। मोहम्मद सुमेर, मोहम्मद सुमेर, हाफिज अब्दुल्ला खान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, मसाब बिन जिया, तल्हा हसन, तल्हा हसन, ओके प्रेजेंट। हबीबुल्ला नूर, ओके। मुनीबुर रहमान, मुनीबुर रहमान, महनूर खान, मोहम्मद इब्राहिम, ओके। मोहम्मद मुहतसम, मोहम्मद मुहतसम, मोहम्मद हसाम खान, हसान खान सॉरी। जुवेस मुशीर, सुईस मुशीर, ओके सुईस। सैयद उजैर जाफरी, ओके प्रेजेंट। उसामा, उसामा, ओके।
मोहम्मद सुबान, मोहम्मद सुबान, नहीं ये सुबान कोई और है, 1303, 1303 मोहम्मद सुबान। मशल फिदा, मशल फिदा खान, ओके। दानियाल अहमद, दानियाल अहमद, तहरीम फातिमा, अब्दुल राफे सिद्दीकी, अब्दुल राफे सिद्दीकी, हाफिज हमजा अब्दुल्ला, हाफिज हमजा अब्दुल्ला, ओके। अब कौन है जिसके नेम में से किस किस की अटेंडेंस मिसिंग है? एक मिनट, आराम आराम से। 1 2 6 5 1, 1 3 1 8 5, 1 2 5 6 2, ओके। एक काम करें, जिनकी अटेंडेंस मिस मिस हो गई है ना, वो क्लास के सीआर कौन है? अच्छा, मुझे क्लास के एक सीआर भी चाहिए होंगे, ठीक है। इब्राहिम, अभी अभी जिन लोगों की अटेंडेंस मिस हो गई है ना, जिनका नेम कॉल नहीं हुआ, वो अपनी अटेंडेंस जो है उस इनको भेज दें, मोहम्मद इब्राहिम को। और इब्राहिम, आप अभी इसी क्लास टाइम में मुझे अभी वो एक ही मैसेज करके यहाँ चैट पे उन सबके स्टूडेंट्स के नाम और स्टूडेंट आईडी सेंड कर दें जिनकी अटेंडेंस मिस हो गई है या नेम कॉल नहीं हुआ, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मिस हो गई है अभी फर्स्ट सेशन की, वो मोहम्मद इब्राहिम को अपने स्टूडेंट आईडी और अपना नेम, चाहे तो व्हाट्सएप करते हैं या टेक्स्ट मैसेज करते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। और इब्राहिम, आप अभी मुझे within 2 मिनट्स या 3 मिनट्स वो यही चैट पे सेंड कर दें, अभी क्लास टाइमिंग में ही, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन की है, तो मैं अभी के अभी अपडेट कर दूँ। स्टूडेंट आईडी भी कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट नेम सेम होते हैं, आईडी से फिर इजीली डिस्टिंग्विश हो जाता है। जो साथ साथ में एंट्री भी कर रही हूँ जिन लोगों के नेम लिस्ट में नहीं है।
जलानी का नाम नहीं है, वनीजा का नाम नहीं है, सजील का नाम नहीं है, आप लोगों की एंट्री मैंने कर दी है। हसान बिन जाहिर का नेम भी नहीं है लिस्ट में। आप लोगों की लेट रजिस्ट्रेशन है क्या? वन टू एट। सैयद फैजान अली की भी अटेंडेंस मार कर दिया है। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, हम लोग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में थे। सो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बेसिकली क्या है? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है वो आपकी मशीन लैंग्वेज नहीं है, इट्स क्लोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे हम सिंपल नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं, उसी सॉर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसके कुछ अपने सिंबल्स और अपना रूल है, ठीक है। और उसमें जो प्रोग्राम हम राइट डाउन करते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, वो हमारे पास सोर्स कोड होता है, ठीक है। जो प्रोग्राम हम जो कोड हम मशीन को किसी भी जो है वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में लिखते हैं, वो हमारे पास सोर्स कोड होता है। अब वो सोर्स कोड अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन होता है, बट इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर कंप्यूटर एज वेल। कंप्यूटर तो प्रोसेसिंग तो कंप्यूटर को करनी है, तो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम जो है एक एक प्रोग्राम यूज़ करते हैं, जो या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। जी, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम जो भी प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं वो हमारे पास सोर्स कोड होता है, और उस सोर्स कोड को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं थ्रू कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर आपके पूरे कोड को एक साथ कंपाइल कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म करता है। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है सोर्स कोड की मशीन लैंग्वेज में, जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है कोड, तो उस सोर्स कोड को जो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हो गया उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ओवरव्यू आया फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर बेसिकली इन्हेंस्ड वर्जन ऑफ थ्री जनरेशन लैंग्वेज। थ्री जनरेशन लैंग्वेज में जहाँ पर हमें हर चीज़ कोड करनी पड़ती थी, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हमें क्या फंक्शनलिटी दे रहा है? ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स के लाइक, अगर मुझे कोई बटन अपनी स्क्रीन पे लाना है, तो बटन को कॉल करने के लिए, शो करवाने के लिए, मुझे कोई 10-15 लाइन का कोड लिखने के बजाय, आई सिंपली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप बटन कंट्रोल, ऑटोमेटिकली बैक एंड पर उसका कोड जनरेट हो जाए। जैसे मैंने आपको HTML वाली एग्जांपल दी थी, फर्दर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी जावा की। जब हमने जावा पे काम सीखा था, तो जावा पे हमने पूरा का पूरा कोड नोट पैड पे करते थे। नोट पैड पे करने के बाद उसको डॉट जावा के एक्सटेंशन से सेव करते थे। फिर जो हमारे पास वो होता है कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पूरी पूरी कमांड लिख के उस प्रोग्राम को कंपाइल करते थे और रन करते थे। मुझे याद है जब हमने बटन शो करवाना था, एक ऐसे प्रोग्राम था जिसमें बटन वगैरह शो, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना था जावा के थ्रू, तो नोट पैड पे हमने जावा का कोड लिखा था बटन कॉल करने के लिए। तो वो बटन को कॉल करने का जो कोड था, वो हमें 7 to 8 lines लगी थी। उसकी पोजीशन, उसकी हाइट, उसके वेट, उसका कलर, उसका टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें करके कोई 8 to 10 lines लगी थी हमें एक बटन को सिर्फ शो करवाने के लिए। लॉजिक की बात नहीं करी कि क्लिक करने पे क्या होगा, सिर्फ शो करवाने, व्यू करवाने में 8 to 10 lines। फिर वही चीज़ जब हमने नेट बीन्स में देखी, नेट बीन जो है वो जावा का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जावा का कोड कर सकते हैं। नेट बीन्स ने क्या किया, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप का कंट्रोल दे दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप के मैंने बटन सारे कंट्रोल्स, बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन, चेक, जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो सब
और एक फॉर्म व्यू दे दिया। हम सिर्फ क्या करेंगे, वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे चीज़ें, वो ऑटोमेटिकली हमारे इंटरफेस पे ऐड हो जाएंगी और बैकएंड पे कोड खुद से जनरेट हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लॉजिक का कोड लगाना पड़ेगा। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर इन्हेंस्ड वर्जन ऑफ थ्री जनरेशन लैंग्वेज। वो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उन्हीं का इन्हेंस्ड वर्जन है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जो हमें ये फीचर्स दे रहा है कि हमें हर चीज़ के लिए कोड ना करना पड़े, खुद चीज़ें ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो जाए। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे यहाँ पे है फॉर्म डिज़ाइनर्स, फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए अगर मुझे, अगर आप सपोज करें कि अगर मुझे 3 बटन चाहिए, तो 3 बटन को कॉल करवाने के लिए मुझे 30 लाइन्स ऑफ कोड चाहिए होगी, अगर एक के लिए 10 रखती है तो। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए तो इतनी लाइन ऑफ कोड अगर एक प्रोग्रामर लिखे जो कि सिर्फ और सिर्फ शो करवाना है, एक्चुअल फंक्शनैलिटी तो क्लिक करने पे है ना, कि जब बटन क्लिक होगा तो फिर क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हमें ये सपोर्ट दे रही हैं कि हम पूरा का हर चीज़ पूरा पूरा कोड करने के बजाय कुछ फंक्शनैलिटी हमारा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें। जैसे क्यूरी लैंग्वेजेस हैं, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर में आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ सिर्फ क्यूरीज लिखनी पड़ती हैं, वो खुद ब खुद आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता रहता है। रिपोर्ट जनरेटर, जैसे हम एक्सेल में देखते हैं, एक्सेल पे हमने डेटा पे काम किया, रिपोर्ट पे जाके हमने सिर्फ क्लिक कर दिया, वो रिपोर्ट की हमें पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता है। तो इस तरीके की लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, बेसिकली थ्री जनरेशन लैंग्वेज है, वो थ्री जनरेशन लैंग्वेज का एनहेंस्ड वर्जन है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल दे रहा है सिंपली, कि हर चीज़ के लिए प्रोग्रामर को कोड ना करना पड़े, अगर वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है तो उसके बैक एंड पे ऑटोमेटिकली कोड खुद से जनरेट हो जाए। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस, जिसमें फंक्शनल लैंग्वेजेस आती हैं, प्रोलॉग जिसमें पूरी की पूरी लॉजिक डिफाइन हो। जी क्लास, वॉइस का इशू आ रहा है क्या? सबको प्रॉब्लम हो रही है? अब ठीक है आवाज? हेलो, अब ठीक हो गई आवाज पहले से? ओके, तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर इन्हेंस्ड वर्जन ऑफ थ्री जनरेशन लैंग्वेज। अभी हमने फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज पढ़ी है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का ही इन्हेंस्ड वर्जन है, जो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप के कंट्रोल से रहा है, जहाँ के जबकि थ्री जनरेशन लैंग्वेज में हमें हर चीज़ खुद से कोड करनी पड़ती थी। इवन अगर मुझे कोई बटन शो करना करवाना है तो उसके लिए भी कोड पूरा 10 लाइन्स का लिखना पड़ता था, फॉर एग्जाम्पल 10 लाइन्स, ठीक है। फिर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स शो करवाना है, उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ता था, उसके लिए भी मुझे पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ता था। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की एक ये जो है वो लिमिटेशन थी, ठीक है, जिसमें कोड बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, ईच एंड एवरीथिंग प्रोग्रामर को बैठ के कोड करनी पड़ती थी। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज ने हमें क्या सपोर्ट दी, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का ही एनहेंस वर्जन है, जो कि हमें क्या दे रहा है, हमें जी क्लास अब आ रही है आवाज? ओके, ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज समझ में आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज उसी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का इन्हेंस्ड वर्जन है, जो कि हमें ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर्स दे रहा है। ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स अ हाई लेवल लैंग्वेज 4GL दैट रिक्वायर्स फ्यू इंस्ट्रक्शन टू अकम्पलिश अ टास्क देन अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। वही काम जो हमें थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में 15 लाइन ऑफ कोड रिक्वायर्ड था, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में वही काम हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं, बैक एंड पे कोड खुद से जनरेट हो जाएगा। ओके, लाइक जैसे कि डेटाबेस होता है, क्यूरी लैंग्वेजेस हो गई, रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर में क्या होता है, आपने फॉर्म फिल किया, जैसे एक्सेल में होता है, फॉर्म फिल किया, रिपोर्ट पे क्लिक किया, वो डेटा के अकॉर्डिंगली हमें रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। एज अ प्रोग्रामर आपको नहीं रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। फॉर्म डिज़ाइनर, जिसमें आपके पूरे के पूरे फॉर्म डिज़ाइन हो जाए।
एंड एप्लीकेशन जनरेटर्स। एप्लीकेशन जनरेटर्स क्या है कि आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिज़ाइन हो जाए, ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल किया आपने और उसके ड्रैग एंड ड्रॉप पे ही वो बैक एंड पे कोड जनरेट खुद कर रहा है। प्रोग्रामर को सिर्फ फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी हो कि बटन के क्लिक करने पे क्या हो। अब बटन आया कैसे, प्रोग्रामर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, बैक एंड का कोड आपका जो है वो इंटरफेस खुद प्रोवाइड कर देगा। तो उससे प्रोग्रामर के लिए और ज़्यादा आसानी हो गई कि वो इजीली अपने टास्क परफॉर्म कर सकता है। सो दैट इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड वन इज फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, प्रोलॉग। जैसे कि हमारे पास जो AI बेस्ड लैंग्वेजेस हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कंट्रोल्स गिवेन हो, आप सिर्फ उसको ड्रैग करें और इंटरफेस पे ड्रॉप कर दें। ठीक है, अब नाउ अब हमारे पास क्या फोकस हो रहा है बियॉन्ड थर्ड जनरेशन फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, कि हम AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेजेस से भी आगे काम करें, जिस पे अभी वॉइस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे अब आपने शायद वो रोबोट भी देखा हो जो सोफिया सोफिया नाम का एक रोबोट है, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, आप उससे बात करें वो कम्युनिकेट कर रही है आपसे, ठीक है, वो रोबोट आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो उसी नेचुरल लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ डिस्टर्बेंस है, वॉइस की क्वालिटी उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो इस पर अभी रिसर्च हो रही है और बहुत ज़्यादा काम इस पर अभी हो रहा है, ठीक है। लैंग्वेज फैमिली ट्री है हमारे पास, ठीक है, लैंग्वेज फैमिली ट्री किस तरीके से, 1957 से हमारे पास लैंग्वेजेस स्टार्ट हुई, फोर्ट्रान, फोर्ट्रान टू, फोर्ट्रान फोर, ठीक है, फोर्ट्रान की ये इनहेंस्ड वर्जन। अच्छा, कभी भी कोई लैंग्वेज खुद से नहीं डिज़ाइन हो जाती, ठीक है, वो कुछ ना कुछ अपनी प्रीवियस लैंग्वेजेस से कुछ ग्रामर, कुछ सिंटेक्स, कुछ ना कुछ इनहेरिट कर रही होती है। तो यहाँ पे ये देखें फैमिली ट्री इसी तरीके से बता रहे हैं कि एल्गोल एक लैंग्वेज थी जो फोर्ट्रान से इम्प्लीमेंट हुई, फिर एल्गोल 60, फिर सैमोला, फिर सैमोला, ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। सी लैंग्वेज कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई, एल्गोल से, फिर सी से ही फर्दर यहाँ से फिर हमारे पास एल्गोल से ही सी हुआ और फिर सी से C++, इसी तरह फिर हमारे पास एल्गोल से विजुअल बेसिक और फिर C++ से जावा, ठीक है, सी से C++ एंड C++ से फिर जावा इम्प्लीमेंट हुई। तो इसी तरीके से लैंग्वेजेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे पास चेंज होती रहती हैं और मॉडिफाई होती रहती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल पैराडिम। पैराडिम क्या कह रही है कि जब हम लैंग्वेज पे काम करते हैं तो काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। वी हैव इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लॉजिक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग एंड फंक्शनल एप्लीकेटिव प्रोग्रामिंग। और इन्होंने ये बता दिया कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में कौन सी पैराडिम अप्लाई होती है। अगर आप सी पे काम कर रहे हैं तो दैट इज़ इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, जिसको हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कह रहे हैं। अभी हम सी शार्प यूज़ करेंगे इस कोर्स में, लेकिन जो हमारे पास पैराडिम हम यूज़ करेंगे वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जिसमें सीक्वेंस पे काम हो रहा हो और मॉड्यूल्स और मेथड पे काम हो रहा हो। नेक्स्ट उसके बाद फिर ये आया कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है, हर चीज़ मेथड फंक्शन पे हो रहा है, क्यों ना हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे फोकस करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++, जावा, सी शार्प जिस पे अभी हम काम करेंगे इस कोर्स में, वैसे तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट अभी इस कोर्स में हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हम बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग देखेंगे सी शार्प यूज़ करते हुए कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो रियल वर्ल्ड को मैप कर रही हो, रियल वर्ल्ड क्या, जो रियल ऑब्जेक्ट, लेट से अगर मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे सारे के सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, लाइक एड बुक, डिलीट बुक, ये सारे मेथड्स होंगे, ठीक है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, लाइब्रेरियन एड बुक, लाइब्रेरी सर्च फॉर बुक, हर चीज़ मेथड के थ्रू होगी। यही काम अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम
पैराडिम यूज करते हुए बनाएंगे। तो वहां पे हर चीज पहले हम क्या करेंगे, मेथड बनाने से पहले पहले हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में रियल वर्ल्ड में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो लाइब्रेरियन होगा कोई ना कोई, स्टूडेंट होगा, बुक्स होंगी, फिर बुक्स के अंदर बुक के नेम होंगे, बुक के टाइटल होगा, ऑथर नेम होगा, पब्लिकेशन ईयर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और फिर मेथड क्या क्या होंगे, सर्च बुक, ऐड बुक। तो फिर पहले हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करेंगे और फिर उसके बाद उसका कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। बेटा वही तो बता रही हूँ कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग या जो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में टोटली फोकस आपका मेथड्स पे होगा, मेथड्स, फंक्शंस और मॉड्यूल्स। अब आपको अभी यही नहीं पता है कि मॉड्यूल्स क्या है, मेथड्स क्या है, तो प्रॉपरली आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अभी जब हम मेथड्स तक पहुंचेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, एक हायरार्की, मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री, मेथड फोर। या अगर मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या मॉड्यूल्स हो सकते हैं, बुक की एडिंग, कोई बुक, नई बुक ऐड करनी है, सर्च करना बुक कि कोई भी पर्टिकुलर बुक लाइब्रेरी में ऐड है या नहीं है, ठीक है, डिलीट अ बुक, ये कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। और इशू करने के लिए बुक हमें मेंबरशिप डिफाइन करनी पड़ेगी कि ऐड न्यू मेंबर, तो ये भी एक मॉड्यूल है। मतलब ये सारे बेसिक टास्क हैं जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में होंगे। तो दैट इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर बना दिया हमने अपने जो है सिस्टम का, कि सिस्टम किस वे में काम करेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है, पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करता है कि अगर वही लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे। तो पहले ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर बनाने के बजाय ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेगा। तो अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, बुक एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एग्जिस्टेंस है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होंगे, लाइब्रेरियन है ऑब्जेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, ऑब्जेक्ट होंगे। फिर उन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे रियल वर्ल्ड मैपिंग है कि रियल वर्ल्ड में हम कैसे मैप कर रहे हैं चीज़ों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराडाइम है मेरे पास लॉजिक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लाइक प्रोलॉग, जिसमें हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, एक नोड ए है, एक नोड बी है। ये बहुत एडवांस वर्जन है, एआई वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होता है। एंड देन फंक्शनल एप्लीकेटिव प्रोग्रामिंग लिस्ट, ये भी हमारे पास क्या है, लॉजिकल सारी फंक्शनैलिटी डिफाइन है। टू ब्रॉड ग्रुप्स, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हम सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। जितनी भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, कुछ थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेज हैं वो क्या हैं, हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन सी हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट बना के काम कर रहे होते हैं रादर देन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम जिस लाइन बाय लाइन, जिस सीक्वेंस में काम कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस वर्क कर रही हैं, पहली सीक्वेंस, पहली इंस्ट्रक्शन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव, देन सो ऑन। लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सीक्वेंस फॉलो करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सम थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर आती हैं, और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर फर्स्ट, सेकेंड एंड सम थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आती हैं। क्लास आवाज़ आ रही है क्लियर? हेलो क्लास, आवाज़ आ रही है?